मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, साजा वालों को क्या हो गया है? साजा वालों को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। पेंडोल के बाहर भी खड़े हैं वो सभी लोग उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये सारे टीवी वाले सेट कर बैठ जाओ भैया नीचे। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाओ यार, अब कुछ नहीं है तो सब ऑनलाइन उपलब्ध है। और पीछे जो लोग खड़े हैं पुलिस के लोग, उनको बीच के गैप में आने दे जरा भाई। बाहर जो खड़े हैं ना, आवाज बाहर जा रही है, बाहर से लोगों को बीच के गैप में आ जाने दो भाई। पीछे जो कार्यकर्ता है वो जरा व्यवस्था करे, सारे लोगों को बीच के गैप में आने दो। अरे ये नहीं भाई, बीच में जो गैप है ना, आने दो पुलिस वाले, आने दो भाई उसको, आने दो जरा कार्यकर्ताओं को, जनता को आने दो बीच में। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान रविंद्र राय जी, दुर्ग संभाग के प्रभारी, प्रदेश के महामंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता भाई विजय शर्मा जी, श्री ओम प्रकाश जोशी जी, जिलाध्यक्ष श्री लखन साहू जी, जिला के प्रभारी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमान ईश्वर साहू जी। ईश्वर जी खड़े हो, यहां आ जाओ ईश्वर जी, जोर से ताली बजाइए ईश्वर जी के लिए। भाई और बहनों, आज जब मैं साजा में आया हूं तब सबसे पहले मां बिमलेश्वरी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मां खल्लारी, मां चंद्रहासिनी और मां दंतेश्वरी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है और आज नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा को और समस्त आदिवासी भाइयों बहनों का सम्मान करने के लिए आदिवासी गौरव दिन की शुरुआत की है। आज आदिवासी गौरव दिन है और आज मैं महान स्वतंत्र सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। पहले चरण में क्या हुआ
वो आप सभी को सुनना है क्या? सुनना है? पहले चरण में भूपेश कक्का का सुपड़ा साफ हो गया। पहले चरण के मतदान ने ये तय कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में कमल फूल खिलने वाला है, भाजपा सरकार बनी। और मुझे आज किसी पत्रकार ने बताया कि सट्टेबाज भी अब कह रहे हैं कि सट्टाबाजी करने वाली ये सरकार जा रही है, कमल फूल की सरकार आ रही है। मित्रों, आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन पर बहुत सारी जगह जाने के लिए डिमांड था, मगर मैंने तय किया था कि अंतिम दिन मैं ईश्वर साहू की विधानसभा में प्रचार करने जाऊंगा। हमारे भाई ईश्वर साहू एक प्रत्याशी नहीं है, ईश्वर साहू प्रतीक है न्याय की लड़ाई का। ये छत्तीसगढ़ में भूपेश कक्का की जो सरकार है, बीरनपुर में सांप्रदायिक तत्वों ने भाई ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर को लॉन्च कर मार डाला। और ऊपर से भूपेश कक्का के लोग वहां पर साहू जी को चेक लेकर गए, नौकरी लेकर गए और कहा कि आप न्याय की मांग मत करो। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं साहू जी को, इतनी गरीबी में भी उन्होंने कहा मुझे तेरा रुपया और नौकरी नहीं चाहिए, मेरे बेटे का न्याय चाहिए। और आज साझा में भरी सभा में मैं कहकर जाता हूं भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी है। किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। मैं आज भूपेश कक्का को कहने आया हूं कि सांप्रदायिक ताकतों के लिए वोट बैंक की शरण में आप गए हो। छत्तीसगढ़ में न जाने कितने भुवनेश्वर साहू शहीद हो गए, मगर आपके माथे पर जू नहीं रहेंगे। भूपेश कक्का, आपका समय अब समाप्त हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं बताता हूं, भुवनेश्वर साहू की हत्या करने वाले हरेक व्यक्ति को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेल के सलाखों के पीछे डालेगी। माताओं, भाई और बहनों, ये भूपेश कक्का के राज में बेमेतरा एक लव जिहाद का केंद्र बना। साहू समाज, लोधी समाज और गोंड समाज की बेटियां इनके निशाने पर है और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इनको कौन जगा सकता है भाई? एक भूपेश कक्का जो कांग्रेस पार्टी जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, उनको कौन जगा सकता है? अरे भाई, उनको आप ही जगा सकते हो, आपका वोट जगा सकता है। 17 तारीख को उलट फेर कर दो, भूपेश कक्का की सरकार की जगह कमल फूल की सरकार ला दो। मैं आपको वादा करता हूं कि ये जो लव जिहाद चल रही ना, करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। भाई और बहनों, ये भूपेश कक्का की सरकार ने दुर्ग संभाग को
बर्बाद कर रख दिया है। ये दुर्ग संभाग रमन सिंह सरकार के समय में शिक्षा का केंद्र बना हुआ था। पूरे छत्तीसगढ़ के युवा दुर्ग में शिक्षा के लिए आते थे। ये रमन सिंह सरकार ने शिक्षा का केंद्र बनाया और अपने भूपेश कक्का की सरकार ने शिक्षा के केंद्र को सट्टे का केंद्र बनाने का काम कर दिया। और भाई सट्टा करना था तो अपना नाम रख देते, महादेव के नाम को क्यों भाई पसंद किया, महादेव के नाम को क्यों पसंद किया। एक और मोदी जी चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचता है तो वो स्पॉट का नाम शिव शक्ति स्पॉट रखकर महादेव और शक्ति को प्रणाम करते हैं। और दूसरी ओर ये भूपेश कक्का सट्टे की ऐप का नाम महादेव ऐप रखकर महादेव का अपमान करने का काम करते हैं। मैं आज बताने आया हूं भाई, गलती से भी भूपेश कक्का आ गया ना तो महादेव का नाम आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि महादेव का नाम आते ही भूपेश कक्का को डर लगता है कि पुलिस आ जाएगी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टे के धंधे में लगाने का काम कर आपने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं फिर से कहता हूं भूपेश कक्का, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भूपेश कक्का आपकी उल्टी गिनती, जोर से बोले आपकी उल्टी गिनती। पूरे छत्तीसगढ़ में बेकारी, बेरोजगारी, पीएससी भर्ती में घोटाला, लोग वहां तक त्रस्त हो गए कि निवस्त्र होकर दलित युवाओं ने रायपुर में जुलूस निकालना पड़ा। आजादी के बाद कोई भी राज्य में निवस्त्र युवाओं का जुलूस नहीं निकला, सिर्फ और सिर्फ भूपेश कक्का के शासन में निकला है। भाइयों और बहनों, आप चिंता मत करो, 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने वाली है और मोदी जी की गारंटी है 1 लाख सरकारी पदों में एक साथ पारदर्शी भर्ती करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मित्रों, मैं तो श्री राम के नौनिहाल में आया हूं। नैनिहाल है ना भाई? अरे यार बताओ जोर से, है या नहीं है? ये कौशल्या माता का घर है या नहीं है? मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के मंदिर में हो जाए। अरे साजा वालों, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना, इधर कहीं घूमते हैं, आज आसपास में ही घूमते हैं। वो राहुल बाबा 2014 से 19 तक मुझे बहुत परेशान किए भैया, आपको मैं सच बताता हूं साजा वालों, बहुत परेशान किए। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे हर रोज ताना लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। इसलिए मैं आज साजा वालों के सामने राहुल बाबा को तिथि बताने आया हूं। राहुल बाबा, 22 जनवरी 2024 को मोदी जी इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। साजा वालों, अयोध्या में श्री राम का दर्शन करना है ना? अरे जोर से बोलो, कहना है ना?
मेरी मातारी माताओं बहनों को अयोध्या में दर्शन करना है ना, खर्चा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, मैं बताता हूं नहीं होगा। कमल फूल की सरकार बना दो, 3 दिसंबर को बारी बारी सभी छत्तीसगढ़ वालों को भाजपा सरकार अयोध्या में श्री राम का दर्शन करा दे। माताओं भाइयों बहनों, ये भाजपा की गारंटी है, अयोध्या में श्री राम लल्ला का दर्शन हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों को कराएंगे। भाइयों और बहनों, ये जो कांग्रेस पार्टी है उसने हमेशा पिछड़ा समाज का अपमान करने का, 70 साल से आजादी मिली पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। हमारा साहू समाज, कुर्मी समाज, कई सारे पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम उन्होंने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने, भाजपा ने पहली बार, जोर से ताली बजाना बाद में, पहली बार देश को अति पिछड़ा समाज का प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मोदी जी की मंत्रिमंडल में 27 मंत्री पिछड़ा समाज से है, 303 सांसदों में करीब करीब 100 सांसद पिछड़ा समाज से है, 1358 विधायकों में 27% विधायक पिछड़ा समाज के हैं, और राहुल बाबा ओबीसी समाज को गाली देने का काम करते हैं। मोदी जी ने नीट के परीक्षा में 27% आरक्षण पिछड़ा समाज को दिया, केंद्रीय स्कूल और सैनिक स्कूलों में 27% आरक्षण पिछड़ा समाज को दिया, और पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के डिस्ट्रीब्यूशन में भी 27% आरक्षण पिछड़ा समाज को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आईआईटी के अंदर ओबीसी के छात्रों को 1,00,000 रुपया ग्रांट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं आज इतनी सारी माताएं बहनें आई हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, ये भूपेश कक्का ने शराबबंदी का वादा किया था या नहीं किया था? माताएं बताए, किया था या नहीं किया था? शराबबंदी करी क्या? करी क्या? उल्टा एक्साइज घोटाले में 5,000 करोड़ भूपेश कक्का डकार गए, बोलिए। अबे भूपेश कक्का को वोट देना चाहिए क्या? कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए? हमने तय किया है कि छत्तीसगढ़ की हर माता को 500 रुपये में 5 साल तक गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने तय किया है कि हर विवाहित महिला को, मेरी बात ध्यान से सुनना, हर विवाहित महिला को हर साल 12,000 रुपया चेक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सभी लोग, सभी महतारी को मेरा निवेदन है कि भाजपा के कार्यकर्ता फॉर्म भरा रहे हैं, फॉर्म भराकर रजिस्ट्रेशन करा देना। और ये भूपेश कक्का गारंटी देते हैं, हम भी देंगे, हम भी देंगे। अरे भाई, जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है उसकी गारंटी का कोई मतलब है? बताओ, है मतलब? और हमारा घोषणा पत्र नरेंद्र मोदी की गारंटी है। हमने जो कहा है वो हम करेंगे, वो भी हम बता रहे हैं। और रेडी टू ईट भोजन की जगह स्व सहायता जूथों को
हम मान्यता देंगे और ग्रामीण महिलाओं को रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। माताओं, भाई और बहनों, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रीपेड मुख्यमंत्री। प्रीपेड समझ में आता है ना? प्रीपेड कार्ड होता है तो जितना रुपया डालते हो उतना टॉक टाइम होता है, समझ में आए? अगर 500 रुपया डाला तो 500 रुपये की बात कर पाओगे आप, 100 डाला तो 100 की, 50 डाला तो पच। ये भूपेश बघेल भी प्रीपेड मुख्यमंत्री है। जितनी घूस दोगे उतना ही काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी का कलेक्शन सेंटर एटीएम बनाने का काम ये भूपेश कक्का ने किया। मैं आज बताने आया हूं, छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनाया और यहां पर ढेर सारे घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए। 6600 करोड़ का पीडीएस घोटाला, 5000 करोड़ का महादेव ऐप घोटाला, पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाला, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का 700 करोड़ का आदिवासियों का पैसा खाने का घोटाला, 267 एससी और एसटी युवाओं की फर्जी भर्ती का घोटाला। और मैंने मेरे जीवन में पूरे देश भर में किसी ने टेलीफोन का घोटाला किया, किसी ने तोप का, बोफोर्स का घोटाला किया, किसी ने हेलीकॉप्टर का, किसी ने गाय के गोबर का घोटाला नहीं किया। बोलिए, आपने सुना था गाय के गोबर का घोटाला? ये भूपेश कक्का ने गोठान घोटाले में गाय के गोबर को भी नहीं छोड़ा, इसमें भी भ्रष्टाचार। हजारों करोड़ रुपया ये भूपेश कक्का खा गए हैं। मैं आज यहां पर आपको कह कर जाता हूं, चिंता मत करो, जो पैसा खा गए हैं उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। गरीब का पाई पाई उनसे वसूलेंगे और गरीब के अकाउंट में, मेरी महतारियों के अकाउंट में डालेंगे, माताओं बहनों के अकाउंट में। माताओं, भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले इनको माफ नहीं किया जा सकता। हमारी सरकार थी 10 साल तक, रमन सिंह को चावल बाबा के नाम से जानते थे। हमने हर गरीब को खाना खिलाया, हर आदिवासी के चरण में चरण पादुका पहनाई, छत्तीसगढ़ को सीमेंट हब, एल्यूमिनियम हब, इस्पात हब, शिक्षा का हब बनाने का काम रमन सिंह सरकार ने किया। और मैं आज बताता हूं, ये धान दान कर रहे हैं, 2700 रुपये से धान खरीदते हैं, इसमें से 2200 रुपया मोदी जी का है, 2200। सिर्फ 500 रुपया ऐड कर वो बोल करते हैं। मगर अब मैं बता देता हूं, हमारी मोदी गारंटी है कि हर किसान से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपया में खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 4500 रुपये से तेंदू पत्ता और 5500 रुपया बोनस और 15 दिन की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी भाइयों बहनों को देती है। मित्रों, हमने तय किया है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। सारे राज्यों के बीच में एक स्पर्धा जो मोदी जी ने शुरू करी है, इसमें छत्तीसगढ़ पीछे नहीं रहेगा। जब हमारी सरकार थी तब मनरेगा में 150 दिन की रोजगारी देने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ था। मजदूर करने वाली बहनों को
मातृत्व का अवकाश देने वाला सबसे पहला राज्य छत्तीसगढ़ था। पंचायत चुनाव में 50% माताओं को आरक्षण देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ था। नगरीय इकाइयों को में आरक्षण देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ था। भूपेश बघेल ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को करप्शन का हब बनाने का काम किया है। माताओं, भाइयों और बहनों, आज मैं आया हूं बड़े मन से आपको एक अपील करने आया हूं। आपका वोट सिर्फ भाजपा सरकार नहीं बनाएगा, आपका एक वोट भाई भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने का काम करेगा। ये तुष्टिकरण की राजनीति को सबक सिखाने का काम करेगा। आपका एक वोट भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने का वोट। मुझे बताओ, 17 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? ईश्वर साहू जी को जिताओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।